वृंदावन कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप है। आतंकी संगठन से पत्र मिलने के बाद आश्रम के संचालकों के द्वारा वृंदावन कोतवाली में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य मध्य प्रदेश के इंदौर में कथा कर रहे हैं। मंगलवार को किसी ने संत कॉलोनी स्थित कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य के गोरी गोपाल आश्रम के ऑफिस में पत्र रख दिया, जिसमें संजय पटेल निवासी पनवेल कृष्णनगर मंडी मुंबई ने अपने को महाराष्ट्र के आतंकी संगठन भारत मौत जिंदगी का कार्यकर्ता बताते हुए अनिरुद्धाचार्य से एक सप्ताह के भीतर 1 करोड़ देने की मांग की है, अन्यथा उनको और उनके परिवार को बम से उड़ाने के साथ आश्रम को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। पत्र में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में कथा के दौरान हम घटना को अंजाम देंगे और जिसमें तुम्हारे साथ 40 से 50 हजार लोगों की मौत होगी तो पूरे देश में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। धमकी भरे पत्र में आगाह किया गया है कि अगर पुलिस से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो अच्छा नहीं होगा। इस संबंध में आश्रम के कर्मचारी रोहित तिवारी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ वृंदावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। अनुरोधाचार्य भागवताचार्य ने कोई धमकी वाला लेटर मिला है, क्या मामला है, क्या लेटर मिला है? कथावाचक अनुरोधाचार्य जी महाराज को जो वृंदावन में रहते हैं उनको एक बॉक्स में एक लेटर मिला है जिसमें उनको धमकी दी गई है। इस पे पुलिस संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया है। जांच के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। CCTV उनके यहाँ आने जाने वाले लोग जो उस बॉक्स तक पहुँच रखते हैं उसकी छानबीन की जा रही है और जल्द से जल्द इसका सही घटना का अनावरण किया जाएगा।